हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो जैसे कि हमने रिएजेंट सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट करी हुई है, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रैम्स रूल, जो किसी रिएजेंट में तो नहीं है, मतलब एज अ रिएजेंट आपको कहीं में मिलेगा नहीं, बट ये है कि जो रिएजेंट सिस्टम ऐड करते हैं, सपोज मैंने आपको भी करवाया था एक दो दिन पहले LiAlH4। जैसे ये रिएजेंट है, सपोज करो LiAlH4, तो ये तो हमें पता है कि यहाँ से हमारा क्या होता है, रिडक्शन करना है इसने। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड मैंने कोई लिया तो उसमें मैंने डाल दिया LiAlH4, तो यहाँ से आता है H-, तो ये तो हमें पता है कि H- ही ऐड होना है। बट कई बार ये क्या होता है, जैसे वही CSIR नेट या फिर गेट के लेवल पर क्या होता है, वो स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछता है एग्जामिनर आपसे। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होता है, किसी H- है तो ये अबव द प्लेन अटैक करेगा या बिलो द प्लेन अटैक करेगा। इसके लिए क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं, जैसे क्रैम्स रूल, एंटी क्रैम्स रूल, कॉन्फोर्ट मॉडल, ये सब है जो यूज करते हैं हम फाइनल प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रैम्स रूल, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन अभी रिसेंटली अभी 2-3 साल से आ रहे हैं, नेट में भी आता है और गेट में तो स्पेसिफिकली पूछा ही जाता है, ऑलमोस्ट हर साल पे एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो आपको ध्यान रखना है इस वाले क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल भी है, ट्रिक्स होती है इसके लिए। मैं आपको ट्रिक्स अभी बता देती हूँ किस तरह से हम करते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्रैम्स रूल से, कल पढ़ेंगे एंटी क्रैम्स रूल। तो अब क्रैम्स रूल में होता क्या है, जैसे सपोज करो मैं आपको एक ऐसी कोई भी दे दूं, सपोज यहां पर मैंने दे दिया ये CFC। ठीक है, तो कीटोन हमारे पास है, सपोज करो सर बहुत ही बेसिक मैंने डाला हुआ है LiAlH4। ठीक है, अब क्या करना है, अगर इसे हमको डायरेक्ट अटैक करवाना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव, इधर एच आ जाएगा, उसका हाइड्रोलिसिस के बाद मतलब इसको OH में कन्वर्ट कर देगा, एक हो जाएगा OH और एक हो जाएगा H। ये तो हम पढ़ चुके हैं LiAlH4 में ऑलरेडी, आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं। लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पर मैं लगा दू, इधर की साइड मैंने कोई ग्रुप लगा दिया, लेट्स से CH3। ठीक है, ये वाला ग्रुप तो पूरा इनक्लेन है, तो यहाँ पे डैश पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एच हो जाएगा। तो अब क्या है, जो हमारा ये नेक्स्ट सेंटर है, ये कैसा सेंटर है, कायरल सेंटर, मतलब जो ये कार्बन है इस पे चार डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। तो जैसे ही साथ में कोई कायरल सेंटर होगा, तो अब अगर हम अटैक करवाएंगे H- को, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा वो बिलो द प्लेन से अटैक करेगा या अबव द प्लेन। अगर आप डायरेक्टली ये लिखते हो कि ये सब कुछ तो प्लेन में है, CH3 अबव द प्लेन है, और आप ये लगा दो डायरेक्टली कि CH3 अबव द प्लेन है, तो ऊपर की साइड जो क्या हिंड्रेंस है, और आप डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली अटैक करवा दो H- का बिलो द प्लेन, सिर्फ ये देखिए कि नीचे की साइड H है और ऊपर की साइड CH3 है, तो ऐसे करके आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हो सकता है कईयों में तुक्का लग जाए कि सेम जैसे आपने लगाया है वैसे ही आंसर हो, बट ये करेक्ट अप्रोच नहीं है, ऐसा कोई मेथड नहीं है देखने का। इसको हम कैसे देखते हैं, क्रैम्स रूल से देखते हैं। तो अगर सपोज करो, एक तो ये वाला केस है, एक सपोज करो मैंने यहीं पर एक ये लिया हुआ है COCH3, और मैंने यहाँ पे इसी वाली कार्बन पे इस कार्बन पे लगा दिया CH3, और यहाँ पे सपोज करो डैश पे क्या है H। तो अब क्या है, ये वाली कार्बन जो है कायरल है, बट यहाँ पर क्या है, क्योंकि जो कार्बन है यहाँ से हम डिसाइड कर रहे स्टीरियोकेमिस्ट्री, और जो ये कायरल सेंटर है ये काफी दूर है इससे, तो इस वाले केस में सेलेक्टिविटी नहीं होती है, नो सेलेक्टिविटी, मतलब इस वाले केस में हम क्रैम्स रूल लगा के प्रिडिक्ट नहीं कर सकते प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री, या फिर किसी भी मेथड से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई रोल आने वाला है नहीं, इसका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर। तो अगर इसे जस्ट नेक्स्ट कार्बन पर है या उससे नेक्स्ट कार्बन पर है, इन दोनों कार्बन पर पॉसिबल है, तो उस वाले केस में क्या होगा, हम क्रैम्स रूल से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है काफी डिस्टेंस ज्यादा हो जाए, तो उस वाले केस में सेलेक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, रहती ही नहीं है। सेलेक्टिविटी से क्या मतलब है मेरा, कि यहाँ पे हम जो बनेंगे, यहाँ पे मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ये कि यहाँ पर मैंने CH3 रखा और यहाँ पर ऊपर CH3, जैसा लिखा हुआ है वहां पर इलेक्ट्रिक में वैसा ही लिखेंगे। एक पॉसिबिलिटी है कि OH डैश पे आए, और दूसरे वाला क्या प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, सब कुछ सेम रहे ऐसे ही, बस जो OH है ये इस वाली पोजीशन पे आए और यहाँ से H का अगर डैश पे आए, और यहाँ पे H क्या होगा, अबव द प्लेन। तो यहाँ पे ये दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि LiAlH4 ऐड करने से इन दोनों में से कोई एक ही बनेगा, बनेंगे दोनों ही, क्योंकि ये क्या है, स्टीरियो सेलेक्टिव। अब स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक में डिफरेंस क्या होता है, तो स्टीरियो सेलेक्टिव जो रिएक्शंस होती हैं उनमें दो प्रोडक्ट बनते हैं हमेशा, एक मेजर एक माइनर। ठीक है, बल्कि जो होता है स्टीरियो स्पेसिफिक, उस केस में क्या होता है, कोई एक ही प्रोडक्ट बनता है 100%, तो उसको हम बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक, जिसमें एक ही प्रोडक्ट बने, और ये क्या है, स्टीरियो सेलेक्टिव, जिसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, जिनमें से एक मेजर होगा एक माइनर होगा। तो ये किस तरह का है, हाँ एक और बात, जो ये प्रोडक्ट है दोनों, यहाँ हाँ ये तो मैंने मिस कर दिया यहाँ पर, तो अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों प्रोडक्ट्स का रिलेशन क्या है आपस में, तो आप क्या देखोगे, यहाँ पर
एक आई सैंपल ऑलरेडी था। हाँ, अब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री का आइडिया हो, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट पर शो करके दिखा रही हूँ कैसे होगा। अब इससे आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगी क्रैम्स रूल, तो उसके लिए आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए स्टीरियोकेमिस्ट्री का। मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ, 15-16 वीडियो है जितनी भी है, आप देख लेना। मैं उसका लिंक जो है प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आपको उसका आइडिया होना चाहिए रोटेशन किस तरह से हम करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखो मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में ऑलरेडी एक आयरन सेंटर है और एक और आयरन सेंटर जनरेट हो जाए, जैसे यहाँ पर अब ये पहले आयरन सेंटर था, अब ये भी क्या है कायरल सेंटर हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या है डायस्टीरियोमर्स। तो क्रैम्स रूल में जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो आपस में क्या होते हैं डायस्टीरियोमर्स, और ये रिएक्शन कैसे होती है स्टीरियो सेलेक्टिव, एक मेजर बनेगा और एक माइनर बनेगा। तो यहां तक समझ में आया, अब देखते हैं कि क्रैम्स रूल बेसिकली होता क्या है, इसके ट्रिक्स क्या है। बेसिकली आपको क्या होता है, मतलब जो एग्जाम में पूछते हैं वो प्रोडक्ट ही आपको लिखना होता है, तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स है। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे जैसे इस तरह से कुछ लिखा है ओ सीओ सी एच थ्री, या फिर इतना बड़ा नहीं लेते इसको सी एच थ्री लिख देते हैं, यहाँ पर है सी एच थ्री, ठीक है। और जो ये वाला है यहाँ पर लेट से मैंने लिख दिया है इथाइल ग्रुप, और यहाँ पर डैश पोजीशन पर है एच, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पर एड किया है इसमें एल आई एल एच फोर। तो अब देखो इसके नेक्स्ट पोजीशन पे जो कार्बन है, कार्बन मिल गए, ये क्या है कायरल सेंटर, मतलब तीन डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। तो अब हमें देखना है कि इसकी सेलेक्टिविटी किस तरह से होगी, मतलब ऐसे जो H- आएगा वो कैसे अटैक करेगा। तो देखो इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है, इसमें होता है सबसे पहले आप क्या करोगे, ये तीन ग्रुप लगे हुए कार्बन के साथ, इसको आप कैटेगराइज करोगे इंटू स्मॉल ग्रुप, लार्ज ग्रुप एंड मीडियम ग्रुप। तो यहाँ पर देखो एच तो क्या है, इन तीनों से सबसे छोटा है, इसको मैंने बोल दिया स्मॉल ग्रुप, एच फॉर स्मॉल। इथाइल और मिथाइल में से ये सब ये बड़ा है जिसको लार्ज ग्रुप, और ये क्या है मीडियम साइज, तो मीडियम। इन तीनों को मैंने क्या किया स्मॉल मीडियम लार्ज, ऐसे करके इनको कैटेगराइज कर दिया। अब रूल क्या है, रूल नहीं ट्रिक बोलो, के बोला ट्रिक क्या है इसके लिए, अगर जो लार्ज ग्रुप है अगर वो सिन है, लार्ज ग्रुप सिन टू कार्बोनिल, तो अटैक कहां से हुआ, अटैक फ्रॉम मीडियम ग्रुप, ठीक है। अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ किस तरह से करते हैं। और अगर लार्ज ग्रुप एंटी है, एंटी टू कार्बोनिल, तो अटैक कहां से होगा, अटैक फ्रॉम स्मॉल ग्रुप। इतना समझ में आया, बस हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि जो लार्ज ग्रुप है पहले आप देखोगे रिएक्टेंट को, स्मॉल मीडियम लार्ज उसको कैटेगराइज कर दोगे, उसके बाद हम देखेंगे जो लार्ज ग्रुप है क्या वो कार्बोनिल के सिन पर है या एंटी है, सिन मतलब सेम साइड पर और एंटी मतलब अपोजिट साइड। तो यहां पर अगर हम देखें जो ये एल है, मैंने यहां पर क्या क्या है अपना आप सिन और एंटी का मतलब क्या है, ये कार्बोनिक है प्लेन में, इसके साथ में ये क्या है कि जो सी एच थ्री है वो सिन पर है, ये भी इन प्लेन है ये भी प्लेनर है, तो ये दोनों आपस में सिस मतलब सिन है, ये दोनों आपस में सिन है। बट रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जो लार्ज ग्रुप है वो सिन होना चाहिए टू कार्बोनिल, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको पहले यहां पर लेकर आओ, या तो यहां पर लेकर आओ इसको ऑपोजिट कर दो, तो मैं क्या करती हूँ उसको मैं इस वाले पोजीशन पे ले आती हूँ, इसलिए मैंने आपको बोला था कि स्टीरियोकेमिस्ट्री आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करके यहां पर लेके आएंगे, तो देखो मैं वैसे लिख देती हूँ सी एच थ्री, मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताया है कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले तो मैंने देख लो, फिर इजी हो जाएगा ये कर लो। मैंने आपको बताया है ये वाला होता है बैक साइड वाला, और ये इसी चीज को जो फ्रंट वाली साइड है उसको हम ऐसे दिखा देते हैं सोहर्स में इस तरह से, मतलब जो ये वाला बोन एक्चुअल में होता है ये ऐसे वाला बोन होता है जो आगे की साइड है, तो यहां पर हम लिखेंगे इथाइल और बैक साइड पे लिखेंगे एच, या आप उसको ऐसे लिख दो यहां पर इथाइल है और यहां पर एच है, इतना ठीक है। अब मुझे यहां पर है कार्बन मिल मेरा, तो मुझे चाहिए क्या जो लार्ज ग्रुप है मतलब जो इथाइल है उसको मुझे यहां पर लेकर आना है, तो मैं क्या करूंगी, या तो इसको मैं डायरेक्ट रोटेट कर दूं यहां पर इस तरह से रोटेट कर देती हूं ऐसे, ठीक है, या फिर उससे भी बेटर क्या होता है मतलब चलो ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं, इजी वाला एग्जांपल, तो इसको यहां पर ले आते हैं, या फिर आपको जो हर जगह फॉलो करना है मुझे लगता है वो बताना इजी रहेगा। आपको बस ऐसे ध्यान रखना है कि रोटेट आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, बट कई बार क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे जैसे मैं आपको बता दी थी पहले कि 180 ले जाओ इसको, मतलब यहां इसको ऊपर ये इस साइड आ जाएगा
और ये चला जाएगा इस साइड, मतलब मेरा CH3 ऊपर की साइड चला गया है, अब इथाइल यहाँ पर आ गया है इस साइड और यहाँ पर आ गया है H, इतना ठीक है, इतना बना। अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इसको यहाँ पर ले जाना है, इसको यहाँ और इसको यहाँ पर, तो भी क्या हो जाएगा इथाइल यहाँ पर और फिर ये इधर CH3 और इधर H, इतना ठीक है। तो मेरा फाइनली ये बन गया है मेरा, मतलब जो H है अब वो किस पे आ गया, फ्रंट साइड पर आ गया है और इथाइल क्या चला गया बैक साइड पर, सॉरी इथाइल बैक साइड पर और इथाइल प्लेन में। अगर आप यहां से करते तो भी आपका यही आता है, जैसे आप इसको रोटेट करोगे यहाँ पर लेके आओगे तो एच इसकी पोजिशन पे आएगा, इथाइल इसकी पोजिशन पर और मिथाइल यहाँ पर, तो मैं वही तो लिखूंगी CH3 इधर H और नीचे इथाइल, ठीक है। ये दोनों ही सेम आए हैं, जब आप जैसे मन कर आपका वैसे कर लो। तो हमारे पास फाइनली ये हो गया है, तो इसको मैं कैसे करती हूँ, कैसे लिखूंगी, इस बार प्लेन में आ गया है इथाइल ग्रुप और H जो है वो फ्रंट साइड पर है और बैक साइड पर है CH3, इतना ठीक है। अब बाकी हमारा जो भी था उसको लिखेंगे कार्बोनिक और CH3। अब जो हमारा लार्ज ग्रुप है वो क्या है, सेम साइड पर है, मतलब सिन है, लार्ज ग्रुप और कार्बोनिक अब सिन हो गए हैं। सिन मतलब अगर लार्ज ग्रुप सिन होता है तो मेटा कहां से करवाता है, मीडियम ग्रुप से। अब आपको क्या करना है, जो भी मीडियम ग्रुप की स्टीरियो केमिस्ट्री है वही स्टीरियो केमिस्ट्री हो जाएगी एच की भी, यहां से एच माइनस आना है तो एच माइनस की स्टीरियो केमिस्ट्री वही हो जाएगी जो मीडियम ग्रुप की है। लेकिन आप मीडियम ग्रुप की स्टीरियो केमिस्ट्री रोटेट करने के बाद नहीं देखोगे, जो एग्जामिनर ने आपको पहले दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखोगे। मतलब यहाँ पे मीडियम ग्रुप किस पे था, मीडियम ग्रुप तो यहाँ पे प्लेन में है, लार्ज और ये हो गया। अब आपने देखो हाँ रोटेट कर लिया उसके बाद, हाँ सॉरी, आपको क्या करना है, जो ये देखना है लार्ज अगर सेम हो गया, यहाँ पे जो लार्ज ग्रुप है वो सेम हो गया है तो आपको अटैक करवाना है मीडियम ग्रुप से। मीडियम ग्रुप कहाँ पर है, ये है मीडियम ग्रुप, यहाँ से देखोगे ये स्मॉल ग्रुप और ये लार्ज ग्रुप। अब आपको इस पे वर्क करना है, अटैक कहां से होगा, मीडियम ग्रुप से, और मीडियम ग्रुप किस पे है, बैच से। तो जो एच आएगा वो भी क्या होगा, बैच पोजिशन पर ही होगा, मतलब यहाँ पे डैश पे आएगा एच और ये आ गया OH और यहाँ पर आ गया CH3, बस बाकी आप उसको वैसे ही लिखोगे एच CH3 और ये इथाइल, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। समझ में आया कि जैसे आप उसको कन्वर्ट करोगे इन दोनों के अकॉर्डिंग लेकर आओगे, या तो लार्ज को सिन कर लो या फिर लार्ज को एंटी कर लो, उसके बाद देखो दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर लार्ज सिन है तो मीडियम वाले से अटैक करवा दो, अगर लार्ज एंटी है तो स्मॉल वाले से अटैक करवा दो, अगर ये एंटी होता है इनकेस तो स्मॉल से अटैक करवाते हम एच से। तो यहाँ पर हमारा ये आ गया। बट क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे एग्जामिनर ने आपको ये वाला पार्ट मेंशन किया हुआ है, ऑप्शन में भी आपको यही मिलेगा, तो आपको लास्ट में क्या करना है, अब आपने इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री निकाली है, इसको एज इट इज रखो, इसको एज इट इज रखो यहाँ पर ऐसे, और जो ये वाला पार्ट है उसको जैसे एग्जामिनर ने पहले मेंशन किया हुआ है उसको वैसे ही लिख दो, रोटेट कर दी, क्योंकि ये है तो एक ही बार, हमने सिर्फ रोटेट किया था, रोटेशन से कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक तो एग्जाम्पल और करते हैं, जैसे भी था उसको वैसे ही रखेंगे, चेंज नहीं करना है, इधर H
अब मिथाइल किस पे आएगा, मीडियम ग्रुप से, मीडियम ग्रुप है अबव द प्लेन, तो यहाँ पर जो मिथाइल आएगा वो भी क्या होगा अबव द प्लेन, और OH जो जाएगा वो जाएगा डैश से। तो इस तरह से आप करते हो ये वाले क्रैम्स रूल एग्जांपल्स। अब सिर्फ आपको इतना ही करना है कि सिर्फ स्मॉल मीडियम लार्ज को कैटेगराइज करेंगे सबसे पहले, उसके बाद सिंगल एंटी देखेंगे। अगर एंटी है सपोज इस तरह से है, एंटी का और करते हैं एग्जाम्पल, सपोज इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर है फिनाइल ग्रुप लेट से, यहाँ पर है एच और डैश से दिया हुआ है सी एच थ्री। सपोज इस तरह आपका क्वेश्चन है, अब आपको क्या करना है इसमें डाला हुआ है लेट से NaBH4, NaBH4 से भी क्या आना है, एच माइनस आना है, कार्बोनिल को चेंज करता है एल्कोहल में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये वाला लार्ज ग्रुप है ये है मीडियम और ये है स्मॉल, तो अब क्या करेंगे, अगर लार्ज ग्रुप और ये कार्बोनिल क्या है आपस में एंटी है, और एंटी अगर होता है तो एंटी के केस में हम क्या करते हैं, अटैक करवाते हैं स्मॉल ग्रुप से, ठीक है। तो स्मॉल ग्रुप कहां पर है, अबव द प्लेन, तो हम क्या करेंगे, इसको भी जैसे दिया हुआ है वैसे ही रहने देंगे, वैसे ही रहने देंगे, और बस यहाँ पर जो कार्बोनिल है यहां से H माइनस आना है, तो H माइनस की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, जो स्मॉल ग्रुप की है, स्मॉल ग्रुप क्या है अबव द प्लेन, तो यहां से क्या होगा अबव द प्लेन ही आ जाएगा हमारा एच, और यहाँ पर डैश पे आ जाएगा OH और यहाँ पर एच ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पर जो कि ये भी एच है ये भी एच है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री तो है ही क्योंकि काइलस एंटर ही नहीं हुआ, तो अब क्या होगा, जो दोनों प्रोडक्ट्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, एनशियोमर्स, मतलब सेम ही रहेंगे, या फिर आप एनशियोमर्स में आइडेंटिकली बनेंगे, तो यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात ही नहीं है, मैं काम करती हूँ CH3 कर देती हूँ उसको। अब ये दोनों आपस में क्या होंगे, क्योंकि दो काइलस एंटर है, दूसरे वाला जो बनेगा उसमें क्या होगा एच डैश पे होगा OH अबव द प्लेन, तो दोनों आपस में क्या होंगे डायस्टीरियोमर्स। अब सिर्फ क्रैम्स रूल में ऐसे ही एग्जांपल्स होते हैं जैसे मैंने इससे पहले करवाया, जिसमें ना तो हमें सिन समझ में आया था ना एंटी, तो हमने उसको रोटेट करके या तो हम सिन बना लेंगे या फिर एंटी बना लेंगे, और यहाँ पर जैसे सिन वाले एग्जाम्पल तो ऐसे करेंगे, एंटी वाले केस में ऐसे करेंगे। अब मैंने क्या किया है, मैंने इसके क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स असाइनमेंट बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लेना। अब ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने ये देखा है, मैं अभी 1-2 दिन पहले ये देखती थी कि जितने भी मैं वीडियोस बनाती हूँ थ्योरी वाली, उसमें जो होते हैं जितने भी नंबर ऑफ व्यूज होते हैं, जैसे सपोज करो मैंने एक वीडियो अपलोड करी स्टीरियोकेमिस्ट्री की, मैंने जो वीडियो बनाई थी, सपोज करो उसमें क्या है, एक वीडियो पे है 1000 व्यूज, ठीक है 1000 व्यू है, मैंने कैसे ही उसके एग्जांपल्स मतलब क्वेश्चन अपलोड करे जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व किए थे, उस पर व्यू क्या है या तो 500 या फिर 600, मतलब मैं क्या आइडिया लगाऊं कि यहाँ से जो 1000 बंदे थे जो देख रहे थे वीडियोज, उसमें से 400 बंदों ने क्या किया है क्वेश्चन नहीं किए हैं। ऐसे ही जो मैंने मास स्पेक्ट्रोमेट्री करवाया था उसमें जितने भी नंबर ऑफ व्यूज थे उससे कम व्यू आए असाइनमेंट पे, तो जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ऐसे ही स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला जो मैंने दिया था असाइनमेंट उसमें भी क्या है, जब भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ उसमें नंबर ऑफ व्यूज कम होते हैं। मतलब देखो इससे मेरा तो कोई मतलब है नहीं, सच सिर्फ लॉस आपका ही हो रहा है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि अगर आप कोई थ्योरी अच्छे से पढ़ रहे हो आपको समझ में आए तो उसके क्वेश्चन से भागो मत, उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। थ्योरी पढ़ने में और रैंक लाने में बहुत ही डिफरेंस होता है, थ्योरी से कभी भी आपके मार्क्स नहीं आएंगे, रैंक नहीं आएगी, ये आपको ध्यान रखना है कि रैंक के लिए आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको क्रैम्स रूल यहाँ पर करवा दिया, आपको लग रहा है कि आपको क्रैम्स रूल आ गया, ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप ये 3 एग्जांपल्स देख के जाओगे पेपर में, फाइनल जाके वहां पे बैठोगे लेके, आपको क्या होगा, आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ी हुई, आपने एक बार भी अप्लाई नहीं किया किसी भी एग्जाम्पल पे, तो अब क्या होगा जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा अगर आपके सामने क्रैम्स रूल का, तो आपको पता ही चलेगा ये क्रैम्स रूल लगाना है या नहीं लगाना है। तो इसलिए ज्यादा बेटर होता है थ्योरी कम पढ़ो क्वेश्चंस ज्यादा करो, कंसेप्ट थ्योरी पढ़ने से कभी नहीं बनते, कंसेप्ट हमेशा बनते हैं क्वेश्चन सोल्व करने से, ठीक है। तो जितनी थ्योरी पढ़ते हो उसे डबल नंबर ऑफ क्वेश्चन करने का ट्राई करो, तभी आपके कंसेप्ट में ज्यादा क्लियरिटी आएगी, तो क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो या तो थ्योरी मत पढ़ो, क्योंकि ये बात लेके चलोगे, आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन पेपर करने बैठे हो, पेपर एग्जाम देने गए हो, तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है आपकी गलतियां होने के, फिर आप बोलते हो कि मैम बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स हो जाती है, तो सिली मिस्टेक्स किसका रीजन होती है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो डायरेक्टली थ्योरी पढ़ के पेपर देने जा रहे हो तो गलतियां तो होंगी, इसलिए मैं ट्राई करती हूँ साथ साथ आपको क्वेश्चन देने की, तो प्लीज देखो, वरना मैं क्वेश्चन देना बंद कर दूंगी, मेरे लिए तो ईजी ही है, मैं आपको पूरा थ्योरी पढ़ाती हूँ उसके बाद क्वेश्चन लिख के अपलोड करती हूँ, तो ठीक है मेरा तो काम ही बच रहा है, मैं तो नहीं करूंगी, आगे से कोई और वीडियो बना दूंगी, ठीक है। प्लीज सिर्फ ये है कि सजेशन है आपके लिए कि अगर थ्योरी पढ़े तो क्वेश्चंस भी पढ़ो, मार्क्स को ऐसे स्टेक पे लेके मत चलो, ये टॉपिक पढ़ा भी है लेकिन फिर भी श्योरिटी नहीं है कि एग्जाम में हो पाएगा या नहीं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।